हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं, कल जो मैंने आपको ट्रेड्स दी थी उन्होंने आज कैसे परफॉर्म किया। कल जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसका बाय मैंने आपको दिया था 788 पे, इसका आज का हाई है 794। दूसरी ट्रेड मैंने आपको दी थी HDFC, इसमें अभी थोड़ी सी करेक्शन आ गई पर ये टेक्निकली अभी भी बुलिश है, अगर आपके पास है आप इस पर बने रहिए। और इंट्राडे में मैंने आपको टेलीग्राम पे बैंक निफ्टी कॉल बाय की ट्रेड दी थी अबव 34,792, इसमें हमें इजीली 90 पॉइंट्स मिले। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है जिसमें इसकी सपोर्ट है 34,761 पे, उसके बाद इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वह 34,898 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वह 35,052 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वह 35,240 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई और ऑलमोस्ट ये गैप फर्स्ट 5 मिनट्स में फिल हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर घूमती रही बैंक निफ्टी, इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही थी। सेम लेवल मैंने आपको दिया था, अगर इसको क्रॉस करती है तो इसके ऊपर आप कॉल बाय कर सकते हैं, और यहाँ तक हमें इजिली 90 पॉइंट्स मिले जब बैंक निफ्टी ने इस लेवल को यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। यहीं पे अगर आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर लिया तो आपको 140 पॉइंट्स मिलते। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो अप है, तो इसके अंदर हम अभी शॉर्ट की ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे, हम लॉन्ग की ट्रेड प्रेफर करेंगे। तो कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है 34,898 का, तो हमें वापस रीटेस्ट ही होगा 34,898 का। उसके बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी तब इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 34,923 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 35,028। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है 35,052 को ऊपर की साइड, तो हमें वापस रीटेस्ट ही होगा 35,052 का। उसके बाद जब बैंक निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी तब आप इसको फिर से लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 35,077 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 35,203। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर और रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां कल हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट है जिसमें इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 15,755 पे, उसके बाद जो सपोर्ट है 15,701 पे, इसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 15,801 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 15,895 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देख सकते हैं निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी, उसके बाद ही गैप पूरा फिल नहीं हुआ, उसके बाद निफ्टी इवेंचुअली ऊपर जाती रही और हायर हाइज एंड हायर लोज बनाती रही, हायर हाइज एंड हायर लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज, तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। तो इसके अंदर कल जो हम ट्रेड करेंगे वो एक लॉन्ग की ट्रेड होगी, इसके अंदर हम शॉर्ट प्रेफर नहीं करेंगे। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है और उसके बाद ऊपर जाना शुरू होती है और 15,801 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो हमें वापस रीटेस्ट होगा 15,801 का। उसके बाद जब निफ्टी ऊपर जानी शुरू होगी तब हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 15,816 फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 15,882। तो फ्रेंड्स, इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट्स के ऊपर, रीटेस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैसफिन का 1 आवर चार्ट है, इसके अंदर कल जो हम ट्रेड करेंगे वो एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 874 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 888 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 907 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक लो है, ये हायर लोअर ही लो, उससे भी ऊपर है इवन हायर लो। लोज आर प्रोग्रेसिंग अपवर्ड, दिस इज अ बुलिशनेस साइन। प्राइस अभी 20 EMA के ऊपर भी है, तो इसको हम तब बाय करेंगे जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट होगा 874 का, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब हम इसको बाय करेंगे। इसके अंदर जो हमारा बाइंग प्राइस होगा होगा 878 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट का फर्स्ट लेवल होगा होगा 887 अराउंड यहाँ पे। प्राइस अगर इसको क्रॉस कर जाता है, इसको ब्रीच कर जाता है, तो टेक प्रॉफिट का सेकंड लेवल होगा 904 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लोस के नीचे, जो होगा 858। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये फाइन ऑर्गेनिक्स का 1 आवर चार्ट है, इसके अंदर कल जो हम ट्रेड करेंगे वो एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 2897 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 2984 पे। इसके अंदर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस 50% रिट्रेसमेंट पे आगे रुक गया और वहाँ से धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर करेक्शंस होती हैं 50% रिट्रेसमेंट या 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट पे आगे रुक जाती है और प्राइस जनरली वहाँ से रिवर्स हो जाता है। मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई है और प्राइस बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास आके रुक गया। तो इसको हम तब बाय करेंगे जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट के बाद हमें रीटेस्ट चाहिए होगा 2897 का। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो सीधा ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट की वेट करें। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं अराउंड 2912 पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा वो होगा 2964 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लॉस के नीचे, जो होगा 2855। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम अगर इंट्राडे में निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड आती है तो उसको मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।